हाय जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस बहुत ही खास वीडियो में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए आया है अवध विश्वविद्यालय की तरफ से। आपके कैंपस के एडमिशन्स के लिए, चाहे वो आप यूजी की बात करें, आप चाहे अंडर ग्रेजुएट की बात करें या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, आपके एडमिशन्स प्रोसेस शुरू हो गए, करेक्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिशन फॉर्म को कौन कौन से कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे स्टार्ट करना है। कंप्लीट एडमिशन फॉर्म हम दूसरे वीडियो में देखेंगे वन बाय वन कोर्स करके, ठीक है। तो हम आपको बता दें, आपको पहले नोटिफिकेशन दिखा दें कि कहां से फॉर्म आपको भरना है और क्या सच में ये न्यूज़ है। तो पहले आप आ जाएंगे अपने अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा वेबसाइट है अपना। हम आ जाते हैं एडमिशन बॉक्स में और एडमिशन्स के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ इस साल की, आपके एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो देख सकते हैं आप, कैंपस एडमिशन्स में आपको आ जाना है, ठीक है। क्लिक कर लेते हैं कैंपस एडमिशन 2023 में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछली बार की तरह जैसे एडमिशन नोटिस, फीस एलिजिबिलिटी, एडमिशन बुलेटिन, सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम, टेस्ट 2023, ये सारी चीज़ें पहले पिछली साल ओपन हो रही थी, मगर इस बार कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है। लेकिन फिर भी आपके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो सारी नोटिफिकेशन है वहाँ पे, हालांकि ऐसे ही एरर लिख के आ रहा है, आप इनमें से किसी भी क्लिक करें, ठीक है, ऐसे ही लिख के आ रहा है। लेकिन मैं फिर बताऊंगा आपको कहाँ से आपका एडमिशन शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें ऐसे लिख के आ रही है। आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, सीधे यहाँ पे आ जाइए। आप देखिए बिल्कुल एंड बिल्कुल आपका ये कंफर्म न्यूज़ है कि एप्लीकेशन फॉर फॉर्म 2023 शुरू हो चुका है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या। ओके, चलिए आपको करना क्या है बच्चों, आपको सीधे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट, ठीक है। आप अवध विश्वविद्यालय बहुत चालाक है, इस बार पहले पैसे ले ले रहा है, फिर उसके बाद चाहे आप कुछ भी करिए। तो आप एक काम करिए, आ जाइए पहले प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट पे, ओके। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीका का नोटिफिकेशन, ये पूरा आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। एक बार इस फॉर्म को ध्यान से देख लेते हैं और हम अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे, अरे तुम जवाब हो, क्योंकि अब मेरी ज़रूरत है नहीं, अब आपको मेन फॉर्म देखना है, तो चलिए हम इसको साइड में कर लेते हैं। तो आपको फॉर्म में भरना क्या है, आप सबसे पहले अपना कैंडिडेट का, जो भी जिस बच्चे का आपको फॉर्म भरना है, आपने कैंडिडेट नेम लिख दिया, फादर्स नेम, आपने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, जो भी कैटेगरी हो आपका, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, और लेट सपोज हम जनरल को ले लेते हैं, करेक्ट, जनरल हम ले लेते हैं। उसके बाद फादर्स नेम, सब कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल रखिए, अगर आप इनमें से किसी चीज़ में बिलोंग करते, लाइक फ्रीडम फाइटर्स, एक्स सर्विसमैन, कश्मीरी माइग्रेंट, या फिर आप मिलिट्री, क्या लिखा, मिलिट्री पर्सनल, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो आप ये लिखिए, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल पे कर सकते हैं। चलिए कोई मसला नहीं, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर में मेल और फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल कर लीजिए, नो इशू। और डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नेशनैलिटी में तो बहुत ही प्राउड के साथ आप यहाँ पर डालिए, इंडिया इंडिया रहेगा, चलिए इंडिया। नेक्स्ट आप देखते हैं ब्लड ग्रुप, अगर आप पता है तो ब्लड ग्रुप लिखिए, नहीं पता है तो आप नॉट नो लिख दीजिए, ठीक है, वैसे पता होना चाहिए, आई होप सो। कोर्स टाइप, यहाँ पे मेन आपको क्या देखना है बच्चों, कोर्स टाइप आपका क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लीकेबल है, कौन कौन से कोर्स के लिए आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं यार। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कौन कौन से फॉर्म आप यहाँ पे दे सकते हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। हम तो वन बाय वन देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के सवाल थे। मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से फॉर्म आपको भरे जाएंगे, तो अंडर ग्रेजुएट में आप देखिए कौन कौन से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लिया। साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स नेम, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कौन कौन सा कोर्स आपका शुरू हो गया, चश्मा छूट गया। चलिए पहला बीएससी, जिन बच्चों को बायो से बीएससी करना है, कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी मैथ, बीटेक, बीटेक में ये सारे ब्रांचेस हैं, चाहे बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, कंप्यूटर साइंस लेटरल एंट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, फूड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आई होप सो। ईसीई में आपको ये बैचलर ऑफ फार्मेसी, जी हाँ, जिन बच्चों को बी फार्मा करना है, जी हाँ, अगर आपको बी फार्मा करना है तो आप बी फार्मा पर सेलेक्ट करिए, फिर आप फॉर्म भरिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ बिजनेस, बीबीए, बीएफए, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, जिनको बीए करना है बच्चों कैंपस से, तो आप बीए का भी यहाँ पे सेलेक्ट करके भर सकते हैं, बीकॉम, ठीक है,
बीकॉम, ये देखिए वो सारे कोर्सेस हैं जिनके फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो ये सारे बैचलर के फॉर्म है, अंडर ग्रेजुएशन के फॉर्म है। अगर आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेते, लेट्स सपोज आई विल गो विद MSc मैथ, MSc मैथ का जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपको नीचे फीस दिखाएगा कितने रुपए का फॉर्म भरना है, 1000 रुपये आपको फॉर्म भरने में लगेंगे, करेक्ट। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, सारी डिटेल्स बच्चों फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आई हियर बाई कन्फर्मेशन पे, उसके बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फीस पेमेंट करना है, ठीक है। 1000 रुपये का फीस पेमेंट लग रहा है, आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्सेज शुरू हैं। जी हाँ, MA, आप अगर आप MA से, बहुत एक बच्ची का सवाल था कि क्या यहाँ पे MA साइकोलॉजी से होगा कि नहीं होगा, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए MA इन एडल्ट एंड काउंटिंग एजुकेशन, ये MA इन परफॉर्मिंग आर्ट, MA फिलॉसफी एंड रिलीजन, MA अप्लाइड साइकोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग में MA, इकोनॉमिक्स और रूरल डेवलपमेंट में MA, MA इन इंग्लिश। जी हाँ, जिन बच्चों को MA इंग्लिश से करना है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। MA अगर हिंदी से करना है तो आप हिंदी से भर लीजिए। MA हिस्ट्री कल्चर, MA ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस योगा, MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस, MA इन पब्लिक पॉलिसी, MA इन सिंधी, सिंधी में भी होता है क्या, ओके आई डोंट नो, MA इन सोशियोलॉजी, जी हाँ, MA इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी, MA ऑफ मास कम्युनिकेशन, ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, MA MSc इन जियोग्राफी, MSc, MA होम साइंस, MSc बायो केमिस्ट्री, MA बायो इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा है, बायो इन्फॉर्मेटिक, ओके, बायो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से MSc, इलेक्ट्रॉनिक्स से MSc, इन्वायरमेंटल साइंस से MSc, जियोलॉजी जियोग्राफी, ये क्या है, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स से MSc, स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, आप ये सब देखते रहिए, ठीक है। MA कंप्यूटर साइंस, MA इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, MA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MA मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MTech कंप्यूटर साइंस, MTech इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, MTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मीन ये क्या है, मास्टर इन फाइन आर्ट्स, ये सारे मास्टर्स के कोर्सेज हैं। चलिए ये देखिए ये क्या आ गया, ये देखिए, वाह वाह वाह, मास्टर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ लॉ। जिन बच्चों को लॉ और एजुकेशन में मास्टर बनना है, यानी कि जिन बच्चों को MEd करना है, जिन बच्चों को LLM करना है, उनके लिए भी फॉर्म शुरू हो चुका है, तो आपको फॉर्म भरना है। हम इस फॉर्म को डेफिनेटली भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, आप उसी स्टेप को फॉलो करके आप अन्य को भी भर सकते हैं, लेकिन वो हम अगले वीडियो में भरेंगे, यहाँ पे नहीं। और कोर्सेज देख लें बच्चों, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED, और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारे कोर्सेज हैं जहाँ से आपको ये सारे कोर्सेज आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ खास रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों, अगर आप जैसे, अगर मैं सारे कोर्सेज की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन आई होप ये LLM और MEd की अगर मैं बात करूँ, खासतौर पे MEd की अगर हम बात करें, तो अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, जैसे आपको BEd करने के लिए BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी है, वैसे ही अगर आप MEd करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते MEd की खासतौर पर बात करें तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। चलिए हम यहाँ पर MEd को सेलेक्ट कर लेते हैं, आ जाओ MEd, करेक्ट। फिर सारी डिटेल्स भरने के बाद 1000 रुपये का फीस पेमेंट है, और आई हियर बाई कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट, चूँकि सारी डिटेल्स नहीं भरी गई हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। सबमिट करने के बाद आपको 1000 का पेमेंट करना है। जैसे 1000 का पेमेंट करते हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका ट्रांजेक्शन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ट्रांजेक्शन नंबर रखते ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप फिल करते हैं आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कंप्लीट इंट्रेंस फॉर्म विथ ट्रांजेक्शन आईडी रजिस्ट्रेशन, फिल इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक आपका वो जो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसमें कितने परसेंटेज मिले हैं, ये सारी आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फाइनल सबमिशन, टेक प्रिंटआउट, ये सारी चीज़ें वन बाई वन मेरे को देखो 1000 रुपये लगना है। तो अभी मैं किसी बच्चे से बात करूँगा जिसको MEd का फॉर्म भरना है, या फिर जिसको LLB या फिर किसी का LLM का फॉर्म भरना है, तो वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसके फॉर्म को यहाँ भर दूंगा और फिर लाइव मैं अपने यहाँ पे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों 2023 के कैंपस के एडमिशन्स के लिए आपके फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों को फॉर्म भरना है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्लीज़ जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। और हाँ, एक और बात बता दूँ,
टाइम रहने, टाइम कितना, कब तक लास्ट डेट है? करेक्ट। देखिए अगर हम यहाँ पे एडमिशन नोटिस अगर ओपन कर पाते तो क्लियरली हम देख लेते कि टाइम कब तक हमें फॉर्म भरना है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कब तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते दोस्तों कब तक लास्ट डेट है। तो ये नोटिफिकेशन आया था, अवध नोटिफिकेशन तो नहीं आया था, ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आया था, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अवध विश्वविद्यालय में स्नातक व परस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसकी मुख्य बातें। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग खबर यहाँ पे मुझे देखने को मिली। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी के निर्देश पर स्नातक प्रस्नातक में बीटेक पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट LLB त्रिवर्षीय पाँच वर्षीय और MEd BPed सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 9 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 9 अप्रैल से, हालांकि 9 अप्रैल तक नहीं भरा जा रहा था, हमने बहुत लेट कर दिया, कहाँ थे हम लोग। ओके चलिए कोई बात नहीं, भर लेंगे, बहुत टाइम है, डोंट वरी। विद्यालय प्रशासन ने स्नातक व परस्नातक पाठ्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई 2023 निर्धारित करी है। 10 मई 2023 कन्फर्म ये डेट बढ़ाई जाएगी, कन्फर्म ये डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी बीएड वालों को बेचारों को पेपर नहीं हुआ, कैसे आप ऑनलाइन यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो 10 मई, अगर ये अप्रैल है 10 मई रखा गया है तो डेट बढ़ना है, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ, तो 10 मई यहाँ पे रखा गया है। विश्वविद्यालय परिसर